अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय जोया कुकिंग चैनल। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी जबरदस्त सी रेसिपी है ब्लोफी पाई। ये मैंने एक्चुअली बनाना था ईद पे, मगर ईद पे तबीयत खराब होने की वजह से, यानी बीपी का इशू था, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए स्वीट नहीं बना पाई। ये पहली ईद थी कि मैं स्वीट नहीं बना पाई, तो मैंने बनाना था ब्लोफी पाई। आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। आज ईद का तीसरा दिन है, तो बनाफी पाए के लिए टॉफी मैंने कैसे घर में बनाई बगैर कंडेंस्ड मिल्क के और बनाना के साथ मिला के हमने बनाफी पाए ये बनाई है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी के, ये बनाफी पाए मैंने कैसे बनाई। बनाफी पाए बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं टॉफी। टॉफी बनाने का मेरा अपना तरीका है, इसके लिए मैंने ले लिया 1/4 कप चीनी, ये डाल देते हैं, और इसी के साथ तकरीबन 2-3 टेबल स्पून पानी ये ऐड कर देते हैं। तो स्लो फ्लेम पे इसको डिसॉल्व होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी इसको हमने कैरामलाइज करना है। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको कैरामल होने में। जैसे जैसे इसके पानी होगा इसका ड्राई, तो ये कैरामल होती है, तो इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको। टॉफी के लिए चीनी जो हमने कैरामलाइज करनी थी, ये देखे माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो गया। तो बस इसी स्टेज पे 1 टेबल स्पून मक्खन रूम टेम्परेचर पे ये डाल देते हैं, और फ्लेम को बहुत स्लो हमने कर देना है, और हाथ को हमने जल्दी जल्दी से स्पैचुला को चलाना है। और इसी के साथ हम इसमें क्रीम, फ्रेश क्रीम, ये एक पैकेट मैंने ले लिया है 200 ml का पैकेट, तो ये डाल देते हैं, और इसको जल्दी जल्दी से हम मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पे अपने स्पैचुला को नहीं छोड़ना, मुसलसल ही चलाते जाना है ताकि चीनी हमारी किसी जगह से डार्क ना होने पाए और टॉफी हमारी अच्छी तरह से बन पाए। फ्लेम को बहुत ही लो करते हुए हमने इस टॉफी को तैयार कर देने है। तो तकरीबन ये थोड़ा सा और ज्यादा मेल्ट होगी तो मैं दिखाती हूँ आपको। टॉफी हमारी रेडी हो गई है, देखें माशाल्लाह इसकी थिकनेस जो है वो इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने और भी थिक होना है, तो हमें इतने ही चाहिए थे। रूम टेम्परेचर पे हम इसको ठंडा कर लेते हैं। इसको अभी हमने फ्रिज में नहीं रखना, तो फ्लेम को कर दिया मैंने ऑफ, इंतजार करते हैं इसका ठंडा होने का, और बाकी के काम अपने हम तैयार कर लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको बनाफी पाई के लिए 1 अदद मैंने टी केक मैंने बना लिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं ये भी शामिल करती तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जानी थी। बस इसको हमने हाथों से ही क्रश करना है, बिल्कुल ऐसे चूरा कर देना है इसका, सारे केक का। तो इस तरह करते हुए मैं सारे केक का अच्छा सा चूरा बना लेती हूँ, बिल्कुल बारीक सा। व्हिपिंग क्रीम मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप, तो स्लो स्पीड पे इसको मैं बीट करना शुरू करूंगी जब तक के ये अपने फॉर्म में डबल ना हो जाए। क्रीम को तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं व्हिप करने में, तो इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ 2 सर्विंग स्पून भर के पिसी हुई चीनी, यानी आइसिंग शुगर, आप घर की पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। तो इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स पहले करके, और थोड़ा सा मैं बीट कर लूंगी फिर से दोबारा से, पहले इसको इस तरह करके मिक्स करूंगी ताकि चीनी हमारी उड़े ना। तो फिर से लो स्पीड पे मैं इसको करती हूँ तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट। क्रीम हमारी माशाल्लाह देखें अच्छी तरह से व्हिप हो गई है, तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी का काम हम तैयार कर लेते हैं। 3 अदद मैंने बनाना ले लिया है, तो इसको मैं फोक की मदद से यूं मैश कर लूंगी अच्छी तरह से। बनाना के साइज पे भी डिपेंड करता है, अगर तो बड़े हैं तो आप 2 ही डालें, मेरे पास इस वक्त जो बनाना थे तो साइज में ये छोटे थे, तो मैं इसलिए 3 यूज कर रही हूँ। तो इस तरह करते हुए मैं सारे मैश कर लेती हूँ। बनाना जो मैंने मैश किए हैं, तो ये भी हम व्हिप की हुई क्रीम में ये भी डाल देंगे, और इसको भी थोड़ा सा हम बीट कर लेते हैं। बनाना डालते वक्त आपने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है, अगर बनाना को आप मैश करके छोड़ देंगे तो ये ब्लैक पड़ जाते हैं। टॉफी जो मैंने बनाई थी 1 सर्विंग स्पून भर के ये भी डाल देते हैं, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। क्रीम में हमने सारी चीजें जो मिक्स करनी थी, यानी बनाना और टॉफी मिक्स करने के बाद, ये देखे इतनी तादाद में, इतनी क्वांटिटी में हमारे पास क्रीम तैयार है। तो चले लेयर्स लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने बर्तन डिसाइड करना है कि हमने कौन सा बर्तन लेना है। बर्तन आपने इस तरह का लेना है कि जिसमें अच्छी सी लेयर आ जाए, तो जो
केक का मैंने चूरा किया था, तो सबसे पहले मैं इसकी एक अच्छी सी लेयर इसमें बिछा देती हूँ। अच्छी तरह से केक का चूरा स्प्रेड करने के बाद हम किसी भी ग्लास या कोई ऐसी चीज से स्पैचुला जो आपका हो उससे आप इस तरह इसको करते हुए प्रेस करते जाएं, ताकि इक्वली सतह सी बन जाए हमारे पास और थोड़ा सा हार्ड हो जाए। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद जो व्हिप क्रीम हमने व्हिप की थी, तो इसको बड़े आराम से हम इक्वली फैला देंगे बहुत ही एहतियात से, ताकि साइडें हमारी खराब ना होने पाए, यानी दिखने में अच्छा लगे। तो इस तरह करते हुए हर जगह पे करके, तो स्पैचुला की मदद से बहुत ही आराम से हम इसको इक्वली स्प्रेड कर देते हैं। 3 अदद बनाना को मैंने स्लाइस कर लिया है, इतना थिन भी नहीं करना और इतना मोटा मोटा भी हमने नहीं रखना, बस मुनासिब ही रखना है। तो इस तरह करते हुए मैं सारे इसके ऊपर फैला लेती हूँ। बनाफे पाए बनाने के लिए जो हमने टॉफी बनाई थी, इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया, क्योंकि स्टिकी सी होती है। अगर हम चम्मच की मदद से इसको स्प्रेड करते तो इवनली स्प्रेड नहीं होनी थी, तो इसलिए मुझे बेहतर लगा कि मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल लेती हूँ। तो इसको थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसको इवनली स्प्रेड करना है। केक का थोड़ा सा चूरा जो था वो बच गया था, तो वो भी मैं इसके ऊपर साइडों पे अच्छी तरह से फैला देती हूँ। चूरा फैलाने के बाद मैंने तकरीबन व्हिप की हुई 1 कप क्रीम साइड पे कर ली थी, तो इसके हम फूल बना लेते हैं, जैसे कि केक पे बनाए जाते हैं। इस तरह करते हुए मैं इसके ऊपर सारे फूल बना लेती हूँ, ताकि अच्छा सा दिखने में भी एक खूबसूरत सा डिजाइन हमारे पास आ जाए। तो ये था मेरा आज का तरीका बनाफे पाए बनाने का, बहुत ही जबरदस्त पीठा। ईद के हवाले से बनाएं या वैसे ही आपके घर में कोई दावत है उनके लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, तो बहुत ही आसानी से और घर के इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए मैंने टॉफी भी बनाई, जैसा कि तरीका मैंने आपको बताया कि टॉफी बगैर कंडेंस्ड मिल्क के हम कैसे बना सकते हैं। तो खाने में बहुत जबरदस्त व्हिपिंग क्रीम के साथ हम ऐसे बना सकते हैं बनाफे पाए। बनाफे यानी बनाना और टॉफी मिक्स करके इसको डिश को नाम दिया गया है बनाफे पाए। तो उम्मीद है आज की टिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए आप जरूर एक दफा ये जबरदस्त सा मीठा आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए तैयार करेंगे। तो काइंडली मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।